हेलो दोस्तों, डीके थ्री होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं चार पर नए नए प्लान्स नए नए डिज़ाइन आपके लिए लाते रहता हूँ। तो आज भी आपके लिए एक छोटा सा और बढ़िया सा प्लान लाया हूँ जिसका डिटेल मैं आपको समझाऊंगा। आज का प्लॉट का साइज जो है, अब इसे हम छोटा तो नहीं कहेंगे, 50 फीट बाय 40 फीट का आज का पूरा प्लॉट का एरिया है जिसमें हमने यह प्लान बिठाया है। तो पूरा प्लान मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इससे पहले यहाँ पर स्क्रीन पे जो है हमारे ऑफिस के नंबर है, अगर आपको भी प्लान की या डिज़ाइन की ज़रूरत है तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन हम जो भी सर्विस देते हैं उसके नॉर्मल चार्जेस होते हैं, वह चार्जेस जो है आपको ऑनलाइन पे करना पड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का प्लॉट का साइज़ जो है 49 फीट 3 इंच विड्थ में है और 39 फीट 4 इंच जो है लेंथ में है, ठीक है। तो इसे हम 50 फीट बाय 40 फीट समझ लेते हैं क्योंकि यह इसमें 9 इंच कम है 50 फीट को और इसमें जो है लगभग 8 इंच कम है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम 50 फीट बाय 40 फीट में यह पूरा प्लान आपको समझाएंगे। ये प्लान जो है हमने क्लाइंट के लिए बनाया था, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया था। तो क्लाइंट की जैसी जैसी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से हमने यह प्लान बना के दिया था। तो देखिए, ये जो इस प्लाट में इस साइड में आप देख सकते हैं, इस साइड में रोड है और बाकी बाकी जो है इस साइड में कोई भी अपनी जगह नहीं है। इस साइड में भी दूसरे के प्लॉट्स है लेकिन इस साइड में आप देख सकते हैं, इस साइड में भी एक रोड है। तो देखिए, यहाँ पर हमने ये मेन गेट बता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन गेट बता है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह मिल रही है। थोड़ा सा आपको इसे जूम करके बताता हूँ ताकि डायमेंशन जो है आपको क्लियर नज़र आ जाए। लगभग 13 फीट 4 इंच है यहाँ से यहाँ तक। देखिए, यहाँ पर हमारा मेन गेट रहेगा, यहाँ से हम कार पार्किंग करेंगे, उसके बाद में इस साइड में जो है हम बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं यहाँ पर, या तो आप गार्डन के लिए भी एरिया रख सकते हैं। उसके बाद में ये स्टेप चढ़ के इस वरांडे पर पहुँच जाएंगे, यहाँ से हम एंट्री करेंगे इस हॉल में। तो ये जो हॉल है, जो लिविंग रूम एरिया है हमारा, लगभग बहुत बढ़िया बढ़िया साइज़ है, 24 फीट 4 इंच है लगभग यहाँ से यहाँ तक, मतलब 24 फीट 4 इंच। और विड्थ में आप देख सकते हैं 20 फीट 3 इंच है लगभग यहाँ से यहाँ तक, मतलब 20 फीट 3 इंच। और यहाँ पर जो है हमें थोड़ा सा कम एरिया मिलता है, लगभग 17 फीट 6 इंच का। तो काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन एरिया है हमारा। यहाँ पर हमारा लिविंग रूम है और यहाँ पर हमारा डाइनिंग भी है। उसके बाद में जनरल टॉयलेट बाथरूम, इस साइड में हमारा टॉयलेट और यहाँ पर बाथरूम दिया गया है। और यहाँ से हमने एक डोर रखा है जो हमारे स्टेयर के यूज़ करने के लिए ऊपर की मंजिल पर जाना है, तो यहाँ से हमारी स्टेयर स्टार्ट होती है और हम यू टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेयर के जो अंदर से भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर ये पार्किंग के नीचे से यहाँ पर लैंडिंग के नीचे हम एंट्री कर सकते हैं और यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बाहर से भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं, यहाँ पर हमारा किचन है लिविंग रूम के बाजू में, लगभग 10 फीट 1 इंच बाय 11 फीट का है, मतलब 10 फीट बाय 11 फीट का। और स्टोर रूम, बड़ा सा स्टोर रूम इसको अटैच किया है, ठीक है। और किचन को एक डोर भी दिया है इस वॉश एरिया को यूज़ करने के लिए, यहाँ पर जो है लगभग वॉश एरिया के लिए जगह रखी है। उसके बाद में यहाँ पर हमने एक बेडरूम रखा है, इसे हम गेस्ट रूम भी कह सकते हैं। ये जो है लगभग 10 फीट 7 इंच बाय 11 फीट का इस गेस्ट रूम का साइज़ है। और इसे एक यहाँ पर एक विंडो दिया है। तो इस साइड में चलते हैं, देखिए लिविंग रूम से यहाँ पर आपको एक बेडरूम नज़र आ जाएगा और इस साइड में भी एक बेडरूम नज़र आ जाएगा। इस बेडरूम का साइज़ जो हमें मिलता है लगभग 13 फीट 1 इंच बाय 10 फीट 5 इंच का है, मतलब लगभग 13 फीट बाय 10.5 फीट का। और इसे एक अटैच टॉयलेट बाथरूम भी दिया है और इस अटैच टॉयलेट बाथरूम को यहाँ पर वेंटिलेशन दिया है, और यहाँ पर जो है बेडरूम को भी वेंटिलेशन दिया है, इस साइड में ओपन टू स्काई रखा है। तो यहाँ पर आप चाहे तो ये विंडो जो है इस साइड में रख सकते हैं और एक डोर भी लगा सकते हैं इस पैसेज को यूज़ करने के लिए। लास्ट में हमारा एक बेडरूम है यहाँ पर, इस बेडरूम का भी साइज लगभग 13 फीट 8 इंच बाय 10 फीट 5 इंच का है, मतलब लगभग 13 फीट 8 इंच बाय 10.5 फीट का। और इसे भी एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया है और इसे एक बड़ा सा विंडो यहाँ पे दिया है क्योंकि इस साइड में हमारा रोड है, तो यहाँ से इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिल जाएगा। तो इस टाइप में इस प्लान में आप देख सकते हैं, तीन बेडरूम है, ये एक एक और यहाँ पर एक, तीन बेडरूम है, किचन है, स्टोर रूम है, बड़ा सा एक हॉल है, डाइनिंग भी है, और टॉयलेट बाथरूम सेपरेट है। स्टेयरकेस जो बाहर से है और अंदर से भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं, पार्किंग के लिए भी जगह है और गार्डन के लिए भी एरिया छोड़ा गया है। तो 50 फीट बाय 40 फीट में यह पूरा प्लान हमने बिठाया था। आशा करता हूँ कि प्लान जो है आपको डिटेल में समझ में आया और पसंद भी आया है। तो इसी प्रकार के लगभग हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइन हमने इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए हैं और आने वाले समय में और भी हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइन हम इस चैनल पर लाने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।